बिहार को बिहारी बस इसी सोच के साथ आगे बढ़ता है। चिराग पासवान पूरी मेहनत पूरी ईमानदारी के साथ मैं अपने प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में प्रयास करूंगा। इस साल लोकसभा के चुनाव के साथ साथ संभवतः बिहार में मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं। भाई अगर बिहार के चुनाव तो इसके जिम्मेदार अगर ये महागठबंधन दल के नेता और इसके घटक दल नहीं है तो कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चिराग पासवान से इतना भय क्यों है? चिराग पासवान शेर का बेटा है। पर जो प्रदेश का मुखिया ही हम लोग को जाति में बांटने का काम है, हम लोग को धर्म के आधार पर बांटने का काम है। तो ये भेद है तो वो इतना के गरीब जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने गया में आयोजित संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान गया के गांधी मैदान में जमकर जन सैलाब जो है वो उमड़ा। जी हां, लोगों की भारी भीड़ जो है चिराग पासवान के संकल्प सभा में देखी गई। इस दौरान उन्होंने मंच से भाषण भी दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। एक खास मकसद के साथ आप लोगों के बीच आज यहाँ पर ये संवाद साधने आया है। आप सब जानते हैं कि ये साल बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण साल होने वाला है। इस साल बिहार के चुनाव, इस साल लोकसभा के चुनाव के साथ साथ संभवतः बिहार में मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं। ये चुनाव आने वाले 5 साल बिहार का भविष्य तय करने वाला है और इसीलिए ये साल ये वर्ष इतना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ना जाने एक 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 करके हम लोगों ने कितने ऐसे 5 साल गवा दिए। परिणाम आज भी आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार को पिछड़ा प्रदेश कहा जाता है। बिहारी शब्द को अगर उसकी पहचान उसे छीन ली गई तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये जवाबदेही तय करने का समय, चयनित करने का समय है भैया कि किन लोगों की वजह से बिहार और बिहारी अपमानित हो रहे। भाई बिहारियों के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है। आज चले जाइए देश का दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए बिहारी आपको मिलेंगे। मेरे मीडिया के साथियों पर मौजूद है, मीडिया चैनल में चले जाइए, बड़े बड़े जितने मीडिया हाउसेज है उसके बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी बिहारी होते हैं। अस्पतालों में चले जाइए, कॉलेजेस में चले जाइए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वहां पे बिहारी होंगे। तो जब बिहारी इतना आगे है तो हमारा बिहार इतना पीछे कैसे रह गया, ये सवाल हम लोग को पूछने की जरूरत है। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं ये लोग बिहार के विकास की बात करेंगे? भाई कौन लोग हैं सत्ता में? ये वही लोग हैं जो पिछले 32-33 साल से बिहार सरकार का हिस्सा है। जितने घटक दल है यही लोग पिछले 32-33 साल से बिहार की सत्ता में काबिज है और आज ये लोग बिहार के विकास की बात करेंगे। भाई अगर बिहार पिछड़ा तो इसके जिम्मेदार अगर ये महागठबंधन दल के नेता और इनके घटक दल नहीं है तो कौन है? आज भैया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चिराग पासवान से इतना भय क्यों है? क्योंकि चिराग पासवान हक अधिकार की बात करता है। चिराग पासवान बिहार में बेहतर शिक्षा बेहतर रोजगार की बात करता है। इसको इसके घर से इसका सामान इसकी माँ इसकी बूढ़ी नानी के साथ इसको सड़क पे फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग
सोचते हैं कि चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान है। हम लोग दशरथ राजी की धरती के लोग हैं भैया, पत्थर पहाड़ को तोड़ने की क्षमता हम लोग रखते हैं, हमला तोड़ने की बात करेंगे भाई। हम लोग सिर्फ एक सोच के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, वो है विकसित बिहार का निर्माण, बिहार को फर्स्ट, बिहारी को फर्स्ट बनाने की सोच। और ये लोग हम लोग को जाकर धर्म मजहब में बांटने का काम करते हैं। सोचिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी होती है पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर चलने की, पर जो प्रदेश का मुखिया ही हम लोग को जाति में बांटने का काम करे, हम लोग को धर्म के आधार पर बांटने का काम करे। सोचिए, परिवार का मुखिया पूरे परिवार को एक साथ लेकर चले, वही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हम लोग को जाति में, धर्म में सिर बांटने की राजनीति करने का ये लोग काम करते हैं। कभी दलित को महादलित करो, कभी पिछड़ा को अति पिछड़ा करो, कभी अपना कभी पिछड़ा, कभी लाल कभी कुश, कभी कोरी कभी कुर्मी, कभी महिला कभी पुरुष, सिर बांटने की राजनीति। जबकि हकीकत है कि पहले हम सब बिहारी हैं और बिहार में 13 करोड़ बिहारियों को एक साथ लेकर चलने की जरूरत है। हिंदुस्तान में अगर कोई एक फर्क है, कोई एक भेद है, तो वो इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। क्या आज आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार पिछड़ा प्रदेश है, आज भी बिहार से पलायन होता है, आज भी बिहार के युवा दूसरे प्रदेश जाते हैं। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आप लोगों के बीच आया है, जरूरी है बिहार को विकसित बनाना, जरूरी है जो संघर्ष हमारी पिछली पीढ़ी ने शुरू किया था उस संघर्ष को अपने अंजाम तक पहुंचाना। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसी सोच के साथ आगे बढ़ना। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार में बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार की बात करता है। क्यों बिहार में आईटी सेक्टर नहीं आ सकता, क्यों बिहार में उद्योग नहीं खुल सकते, क्यों बिहार के बंद पड़े उद्योग चालू नहीं हो सकते, ये तमाम चीजें हो सकती है, पर जरूरत है सिर्फ इस सोच की। इसीलिए साथियों, आप लोगों से आग्रह करने आ रहा हूं, चिराग पासवान पूरी मेहनत पूरी ईमानदारी के साथ मैं अपने प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा हूं। आप सबको चिराग पासवान बनकर गांव गांव घर घर तक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को पहुंचाना होगा, बनेंगे चिराग पासवान। ये वादा आप लोगों से करता हूं, आप एक कदम चले मैं 100 कदम आप लोगों के साथ चलूंगा। जब तक अपने प्रदेश को विकसित राज्य नहीं बना लूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये संकट आज आप लोगों के साथ मैं करके रहता हूं। देसवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देसवा न्यूज का मकसद नहीं, देसवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देसवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।